गुड मॉर्निंग। आज स्टैंडर्ड 11 से रिलेटेड जो फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका रूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब में डाल दिया है, और अब मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सम आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इस सम का क्वेश्चन यानी कि ट्रांजेक्शन इस साइड है और इसका सॉल्यूशन इस साइड है। तो क्वेश्चन नंबर वन, पर्टिकुलर कैपिटल एंड लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड, एसेट्स राइट हैंड साइड। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000, कैपिटल में प्लस होगा और कैश में प्लस होगा। नेक्स्ट, क्योंकि बाकी और कोई भी आइटम नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओपन अ बैंक अकाउंट 4,500। इस ट्रांजेक्शन का असर लाइबिलिटी साइड में नहीं होगा, कैश से माइनस होगा 4,500 और बैंक में प्लस होगा 4,500, क्योंकि कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो अब दो ट्रांजेक्शन के बाद फाइनल बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालना जरूरी है। तो कैपिटल 45,000 ही रहेगा, कैश घटकर 40,500 हो गया, जबकि बैंक 4,500। बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी 11,200। यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि जिस कंपनी से आप सामान ले रहे हो वो कैश में ले रहे हो, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है। तो व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट द पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर। तो जब हम सामान उधार में लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं, तो मेरा एक तरफ स्टॉक जनरेट होगा एसेट साइड में, तो दूसरे तरफ लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर जनरेट होगा सेम अमाउंट से, यानी 11,200 का क्रेडिटर होगा और 11,200 का स्टॉक होगा। थर्ड इक्वेशन के बाद फाइनल बैलेंस हम लोगों का, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं 45,000, क्रेडिटर एज इट इज 11,200, कैश 40,500, बैंक 4,500 और स्टॉक 11,200। ये था मेरा पहला फर्स्ट सम टी एस अग्रवाल से। थैंक यू।